हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी क्या हुआ ना कि रुद्र की ढूंढ थी, तब रुद्र की ढूंढ पे मैं यहाँ नहीं थी, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी रुद्र की ढूंढ इतनी धूमधाम से करी है, बुआ भी आई है, सब लोग आए हैं, बस आप ही नहीं हो तो आप कहाँ हो दीदी? और इंस्टाग्राम पे भी आप एक्टिव नहीं हो तो आप कहाँ बिजी चल रहे हो? यहाँ तक कि आपने घनघोर की पूजन भी नहीं करी, तो क्या रीज़न है दीदी? तो आप घनघोर की पूजा भी नहीं करी और ना घनघोर की पूजन का ब्लॉग डाला। दशा माता का मैंने ब्लॉग डाला था, लाइव करा था, लेकिन घनघोर पूजा मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपनी पियर होती हूँ, फैमिली रीज़न होता है तो मैं अपने पियर चली जाती हूँ, तो ना तो रुद्र की ढूंढ पे आ पाती हूँ ना घनघोर पूजन पर आ पाती हूँ। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी पियर थे तो भी रुद्र की ढूंढ पे तो आ ही जाते, लेकिन नहीं आ पाई क्योंकि मेरे जो दादी जी हैं ना वो एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से मैं नहीं आ पाई और मैं मुझे 12 दिन वहाँ रुकना पड़ा। तो मैं 12 दिन वहाँ रुकी, तब तक यहाँ पर ढूंढ का प्रोग्राम भी था, लेकिन अब बहुत सारे मुझे ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि दीदी आप नहीं थे तो रुद्र की ढूंढ क्यों करी, फैमिली वालों ने नहीं करनी चाहिए थी, आपका आना भी ज़रूरी था, आप आते तो अच्छा रहता, सारे फैमिली वाले थे, बस आप ही नहीं थे। और तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि रुद्र की ढूंढ का जो प्रोग्राम है ना वो पहले से ही फिक्स था, लेकिन पहले ऐसा था कि पहले हम लोगों ने सोचा कि हम एकम को करने के लिए होली का, वैसे मैंने एक बार रुद्र की ढूंढ का ब्लॉग डाला था, उसमें हमने सिर्फ नॉर्मली सा किया था, उसमें भी मुझे कमेंट्स आते थे दीदी ढूंढ का प्रोग्राम बहुत ऐसे छोटा सा कराए, इतने सारे गेस्ट नहीं आए। तो हमारा मतलब कि ऐसे था कि पहले हम लोगों का था कि हम ऐसे जो गांव वाले ना उनको सिर्फ नाश्ता करा दें, उसके बाद हम खाना का प्रोग्राम भी रखेंगे, डीजे बुलवाएंगे, ढोल से बांटेंगे पूरे गांव में ढूंढ, ऐसे सब कुछ था। वैसे आपने लोग देखा होगा भाभी का, तो आपको पता चल ही गया होगा कैसे किस तरीके से हम लोगों ने ढूंढ बांटी थी, मतलब मैंने नहीं परिवार वालों ने बांटी थी। तो ऐसे कुछ था प्लानिंग हमारी इस स्टेप में थी, लेकिन होता अचानक से क्या होता है ना कि दशा माता के दिन दशा माता की पूजा हो जाती है, सुबह हम उठते हैं आराम से पूजा करके आते हैं, यहाँ तक कि कानी वगैरह भी हो जाते हैं, सब हो जाता है, व्रत भी खुल ली जाता है शाम तक। और मेरे दादी जी वैसे बीमार चल ही रहे थे तो मुझे एकदम से कॉल आता है, लगभग हमें ना रात को ही ना 11 बजे तक, तो मैं लखन जी हम लोग टीवी देख रहे होते हैं, तो मैं लखन जी टीवी देख रहे होते हैं, तो फिर 11 बजे के बाद मैं बोलती हूँ कि सो जाते हैं, सुबह वापस जल्दी उठना पड़ेगा, काम भी है, क्योंकि दशा माता के दिन हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, सारी लेडीज़ आती है और धूप ध्यान घर पे ही करते हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा बिखेरा वगैरह भी हो जाता है। मैंने कहा आराम से सो जाते हैं, सुबह करेंगे, बहुत थक जाते हैं उस दिन। तो रात को 11:30 समथिंग बजी थी और हम लोग यहीं हॉल में ऐसे टीवी देख रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ सोने के लिए, आप आ जाना बंद करके। तो उन्होंने कहा वाह ठीक है। जैसे ही मैं कमरे में जाके सोई, मैं मतलब ऐसे नींद आने वाली थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे उस दिन, और 12 बजी थी और मेरे भाई का मुझे कॉल आया, मतलब मुझे नहीं लखन जी को आया था कि हेलो, इस मतलब ऐसे तरह की बात है दादी जी ये जो अब नहीं रहे, ऐसे करके कॉल आया था। तो उन्होंने कहा कि भाई इस टाइप में बात है, तो अब रात को कॉल आया था, तब तक 12:30 बज रही थी उस टाइम जब उनका मतलब मेरे भाई का कॉल आया था, तब मैंने कहा अब 1 बजे तो मतलब ऐसे पॉसिबल भी नहीं है कि मैं रात को निकल पाऊँ, क्योंकि मेरा पियर यहाँ से दूर है, 4-5 घंटे का रास्ता है, और मतलब जिस तरह मेरा पियर है ना उधर का एरिया बहुत ऐसे ही है, रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है, रास्ता तो इतना ख़राब है मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, तो रात में जाना मेरे को सही नहीं लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन सुबह जल्दी निकल जाएंगे मॉर्निंग में। और वैसे ब्लॉग वगैरह हमने रात को एडिट कर लिया था क्योंकि हमारा फिक्स था कि हमें अगले दिन ब्लॉग डालना ही है, तो रात को एडिट करके मैंने शेड्यूल करके लगा भी दिया था। जब तक फ़ोन नहीं आया तो उससे पहले भाभी और हमने बोला था कि सुबह 10 बजे हम कैसे भी दशा माता का ब्लॉग लाइव कर देंगे, वैसे करके शेड्यूल मैंने रात को एडिटिंग वगैरह सारी कंप्लीट कर ली थी, और सुबह फिर मॉर्निंग में हम 5 बजे नींद तो मुझे पूरी रात आई नहीं, और 5 बजे मैं उठ गई, कानू को भी उठाया मैंने, मैंने कहा कि चलो उठ जाओ फटाफट से, उसको भी तैयार कर लिया, ड्रेस वगैरह चेंज कर ली, और मैं और लखन जी जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जाने के बाद 12 दिन मुझे वहीं रुकना पड़ा, ऑलमोस्ट आप जानते हैं कि दादी जी है तो अपने ऐसे रुकना पड़ता है 12 दिन तक। तो फिर महीने का जब तक धूप नहीं लगता तब हमारे उधर कहते हैं कि ऐसे महीने का धूप नहीं लगे तब तक बहन बेटी नहीं जा सकती है, तो महीने का धूप लगाया, सारी प्रक्रिया करी, बहुत सारा चला था, तो इसलिए मैं बहुत बिजी थी, इंस्टा पे एक्टिव नहीं रही थी। और रही बात रुद्र के ढूंढ की, तो मम्मी जी ने मुझे बोला भी था कि ढूंढ का प्रोग्राम रख रहे हैं तो आ जा, वैसे पहले ही फिक्स था कि रखना है 12 को, था मैं बोल रही थी ना होली के बाद में रखने का था, पर रानू नहीं आ पाए थे किसी रीज़न की वजह से, उनके घर पे सासू जी उनके नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि मम्मा बाद में रखना, बाद में बड़ा कर रहे, तो मैं बाद में आऊँगी तो 2-4 दिन रुकूँगी,
लेकिन इत्तफाक की बात ये कि मैंने तो बहुत जिद करी थी कि मम्मी जी रख लो, क्या पता मेरी दादी जी बीमार ही चल रहे तो कुछ ऐसी घटना नहीं कर जाए या मैं नहीं हो पाऊँ। मुझे ऐसे पहले से ही लग रहा था कि इस बार आठ लगी है, अगली बार जरूर लगेगी, या तो इस ढूंढ पे कुछ ना कुछ तो हो गई होगा। तो मैंने कहा क्योंकि मेरे मेरे मतलब मेरे बात मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है कि एक बार चीज़ पे आड़ लगती है ना तो वो फिर लग ही जाती है, फिर वो सही से नहीं हो पाती है। तो मुझे ऐसा लग ही रहा था। तो वहाँ फिर बाहर मैं वहाँ चली गई तो मम्मी जी ने बोला था कि तू आ जा और अपन प्रोग्राम कर लेते हैं। वैसे मेरी दादी जी काफ़ी एज में थे, बट मैंने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, फैमिली वाले कोई देखे तो भी नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं नहीं आ पाई और बारिश के दिन मम्मी जी ने इन सब ने रुद्र की ढूंढ का प्रोग्राम करा और बहुत उत्साह के साथ इन लोगों ने सेलिब्रेट करा। मैंने भी देखा था व्लॉग, मेरा मन बहुत 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 दुख रहा था कि मैं भी जाऊँ बट नहीं आ पाई। और उसके बाद रही बात घनघोर के पूजन की, तो मैं मेरे पीहर में थी और पीहर में ऐसे होता है कि मतलब ये सौगत होता है तब तक नहीं जा सकते, ऐसे पूजन नहीं कर सकते हैं। और फिर मुझे करनी भी नहीं थी पूजा क्योंकि मेरे आड़ भी लग गई थी, ऐसे पूजा करनी थी उस दिन, मुझे 5 दिन ही हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो अब पूजा तो होगी नहीं भगवान की, तो गणगौर की पूजा भी मैं इसलिए नहीं कर पाई और रुद्र की ढूंढ पर भी मैं नहीं आ पाई। बहुत फैमिली वालों ने तो बहुत कहा भी था कि आ जाऊँ, लेकिन पियर इतना दूर है कि आना जाना सेट नहीं बैठता है और फिर सब फैमिली वाले मिलते तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी, आप लोग सेलिब्रेट कर लो। और गणगौर पूजन भी नहीं हो पाई, मतलब मैंने क्या सोचा था कि ओ क्या से क्या हो गया, सोचा था कि रुद्र की ढूंढ में मैं आती क्या, आपको बताया मैंने तो ड्रेस भी सिलेक्टेड कर ली थी कि ये पहनूंगी मैं रुद्र की ढूंढ में। और कानू की भी कानू की ढूंढ पर भी मैं नहीं थी क्योंकि ना कानू की ढूंढ पर मैं थी बट कानू की ढूंढ जैसी नहीं थी उस टाइम, उसकी फर्स्ट ढूंढ थी ना। तो हमारे पड़ोस में या ससुराल में पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी तो ढूंढ हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए कानू की भी, सिर्फ घर पे बुला के नाश्ता कर लिया ऐसे, ढोल से गांव में ढूंढ नहीं निकाल पाए हम लोग। तो मुझे लगा कि चलो कानों के नहीं पर रुद्र की तो मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, नाचेंगी गाएंगी। रात को ड्रेसेस निकाल दी थी हम लोगों ने, यहाँ तक कि कानू रुद्र के लिए तो हम ड्रेस भी नहीं लेके आ गए थे, कानों की तो मेरे पास पहले से पड़ी थी और रुद्र की हम ड्रेस नहीं लेकर के आ गए थे। लेकिन किस्मत ही नहीं थी मेरी कि मैं रुद्र की ढूंढ में भी हो पाऊँ, शामिल हो पाऊँ। मम्मी जी का भी काफ़ी मन दुख रहा था, कह रहे थे कि यार तू बहुत एक्साइटेड थी बट तू नहीं आ पाई। मैंने कहा देखो क्या कर सकते, भगवान की मर्जी है। तो इसीलिए मैं रुद्र की ढूंढ में नहीं आ पाई। मेन रीज़न यही था मेरी दादी जी एक्सपायर होने का, और गणगौर पूजन भी नहीं कर पाई मैं मेरे पीहर में थी तो वहाँ पर पूजा अलाउ नहीं थी कि नहीं मौत का घर है तो पूजा नहीं होगी। भले बहन बेटी है नहीं लगता है, पर फिर भी बहन बेटी को वैसे नहीं लगता है, अगर बहन बेटी चाहे तो कर सकती है, लेकिन एक ही घर में रह रहे हैं पानी भी वहीं का पी रहे तो फिर ऐसे पूजा मन नहीं माना मेरा, तो मैंने नहीं करी पूजा और करनी भी नहीं थी। और तो ये मेन रीज़न यही था, इसलिए मैं इंस्टा पे भी एक्टिव नहीं थी और यहाँ पर भी एक्टिव नहीं थी, यूट्यूब पे भी एक्टिव नहीं थी। बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाला और बहुत सारे मुझे DMs आ रहे थे, दीदी आप बताओ क्या रीज़न है। तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करी है और बाकी मैं बैक टू बैक ब्लॉग डाल ही रही हूँ। अभी जैसे कि मैंने होली भी खेली थी उस तो उसका ब्लॉग डाला था, बट उस पर भी क्या है ना मुझे, हाँ मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी कि मैं ब्लॉग मतलब होली का ब्लॉग है ना, सही बता रही हूँ, मैं शीतला सप्तमी हम जो खेले थे ना इतना कॉमेडी ब्लॉग था, हमने इतने मजे लिए और मैंने मतलब मुझे ये लगा कि ये ब्लॉग वायरल होगा, लेकिन उस पर आपको पता है 13 कैसे व्यूज़ ज़्यादा गए हैं और वो इतना कॉमेडी ब्लॉग था बट व्यूज़ जा ही नहीं रहे हो। फिर व्यूज़ नहीं जाते ना तो उसे ब्लॉग डालने का मन नहीं होता है, मन भर जाता है यार व्यूज़ जा ही नहीं रहे ब्लॉग डाल के क्या करेंगे। और होली के बाद भी मैंने दशा माता का डाला तो उस पर भी 10 कैसे ऊपर गए नहीं व्यूज़, पता नहीं क्या हो रहा है। 2-4 ब्लॉग मैंने डाले ना अभी एक मंथ में, उस पर व्यूज़ ही नहीं गए, जो तो मैंने इतनी मेहनत करी है, एडिटिंग भी अच्छे से करी, उसके अलावा मैंने कॉमेडी भी सीन्स लिए उसमें तो भी ब्लॉग वायरल नहीं हो रहे, मतलब ब्लॉग पे व्यूज़ ही नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग को शेयर कीजिए। अगर ऐसे ब्लॉग पे भी व्यूज़ नहीं जाएंगे तो फिर सिंपली जो ब्लॉग बनाएंगे उस पर क्या व्यूज़ जाएंगे। तो आप लोगों से मैंने बात शेयर करी और आप लोगों की मोस्ट ऑफ डिमांड थी तो मैंने आप लोगों के साथ बात करी। और आपको और तो मैं क्या बोलना चाहूँ, बस मेन रीज़न यही था इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार मैं जो भी ब्लॉग डालू ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करा करो, बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद व्यूज़ नहीं जाते तो इच्छा नहीं होता ऐसे ब्लॉग्स डालने की। और कानू भी बहुत एक्साइटेड था, मम्मा रुद्रा की शादी हो रही ना, हमारे इधर ढूंढ को शादी बोलते, तो मम्मा रुद्रा की शादी हो रही ना, मम्मा मैं रुद्रा की शादी में ये पहनूंगा वो पहनूंगा,
छोरा भी मेरा ऐसे ही रह गया, छोरा भी नहीं बन पाया और लखन जी भी नहीं आ पाए क्योंकि लखन जी मेरे साथ ही थे पियर, तो हम तीनों में कानू लखन जी हम तीनों नहीं आ पाए। और वैसे कानू मैं उसे प्यार से बोलती हूँ, मुझे ये भी बहुत कमेंट्स आता है दीदी आप कानू का रियल मतलब रियल नाम क्या है आप कानू खान का, तो उसका रियल नाम नैत्विक है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ उसका नाम मैंने नैत्विक रखा लेकिन प्यार से छोटा बच्चा जब घर में नहीं था फर्स्ट कानू ही हुआ था तो उसे सब कानू कानू बोलते थे तो उसका नाम कानू ही पड़ गया। तो शेयर करा और होप्स आपको मेरी बात सुन के अच्छा लगा होगा या फिर आपको रीज़न भी पता चल गया होगा, क्योंकि ना मतलब रीज़न देना ज़रूरी है, बाकी बहुत सारे ना नेगेटिव कमेंट्स भी करने लग गए, क्या वो आपके ससुराल वालों के साथ आपकी बनती नहीं है क्या, या फिर आपको रुद्र की ढूंढ में नहीं बुलाया तो ऐसा क्या रीज़न हो गया, आपको निकाल दिया क्या ससुराल वालों ने, ऐसे हर कुछ कमेंट्स कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अगर सही टाइम पे जवाब नहीं दूंगी ना तो बहुत सारे कमेंट्स आए करेंगे, तो बस यही रीज़न था। और आप अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना और प्लीज़ जो नेगेटिव कमेंट्स करते ना यार हर कुछ मत करा करो, थोड़ा बहुत सोच लिया करो, पर्सनली भी कोई रीजंस होते होंगे, फैमिली है जॉइंट फैमिली है, फैमिली लेके बैठे हैं तो फैमिली में अक्सर कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किसी फंक्शंस में अटेंड नहीं हो पाए तो कुछ नहीं कि भाई उनके घर में झगड़ा है या ऐसा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, होता है फैमिली है कभी पीहर की तरफ से भी हो जाता है तो कभी ससुराल की तरफ से भी हो जाता है, बाकी जॉइंट फैमिली को साथ में लेके चलते हैं तो एक रहना चाहिए कि चलो कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं अटेंड हो पाया, यहाँ तक कि भी 6 महीने पे जब रुद्र का बर्थडे सेलिब्रेट करना तब भी कुछ रीजन था, मैं अपने पिया ही थी तब भी मेरे रुद्र की बर्थडे पे भी नहीं हो पाई और उसके बर्थडे का प्लानिंग अचानक से बनी थी और भाभी का मुझे कॉल भी आया था लेकिन दोपहर में 1 समथिंग बज रही थी उनका कॉल आया था तब, और 1 बज रही थी 1 बजे मेरे पियर से चित्तौड़ निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे पियर में बसें नहीं आती है, बहुत मतलब ऑटो करके जाना पड़ता है, तो मैंने कहा कि अब मैं चित्तौड़ नहीं आ सकती और कानू की तबीयत उधर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी थी, अगर मैं चित्तौड़ जाती ना क्योंकि जब भाभी का मुझे कॉल आया था तब मैं मेरे पियर में भी नहीं गई, पियर से कहीं बाहर थी, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से मतलब जाऊँगी घर जाऊँगी फिर कपड़े पैकिंग करूँगी निकलूँगी तब तक 3 बज जाएगी और 3 बजे के बाद चित्तौड़ जाना यानी कि 8-9 फिक्स है, मैंने कहा सैड में बेटे का बच्चों को लेकर और वो भी मैं अकेली नहीं पापा कानू को लेकर मैं अकेली नहीं जा सकती, तो उस टाइम मैं रुद्र की उस बर्थडे पे भी नहीं आ पाई थी, यही रीज़न था। और छोटे बड़े रीज़न चलते रहते हैं, बाकी हम सारे फंक्शंस फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करें आप लोग देख ही रहे हैं, सो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स करने वालों से मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे कमेंट्स मत कीजिए, हर कुछ मत लिखिए, हम कुछ रीज़न होता है फैमिली रीज़न इसलिए नहीं, हम हो जाता है कभी कभी फैमिली रीजंस में, तो आप लोग आई होप मेरी बात समझेंगे और अगर लोग अच्छा लगा तो इसे शेयर भी कर देना ताकि बहुत सारे डीएम्स कर रहे हैं मुझे उनको भी रीज़न पता चल जाए, सो अगर अभी है तब इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाना और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द न्यू ब्लॉग लेकर आऊँ मैं आप लोगों के लिए, और प्लीज़ आप सजेस्ट भी कर देना कि अगला ब्लॉग मैं किस पर बनाऊँ क्योंकि आप सजेस्ट करते हो थोड़ा आसानी रहती है बनाने में, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बहुत जल्दी ब्लॉग लेके आऊँगी और आपको होप सो ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगे, सो बाय बाय अभी के लिए।